तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, ई इक्वल टू ई आपका क्या है, इंडक्टर के अंदर एनर्जी होती है हाफ एल आई स्क्वायर, एल की वैल्यू होती है म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वी, तो वैल्यू पुट कर देंगे एनर्जी में यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर वी इंटू आई स्क्वायर। एनर्जी को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम से, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है, फिर क्या बन गया आपका एनर्जी डेंसिटी आ गया। ये फॉर्मूला भी आपका एनर्जी डेंसिटी का ही है, म्यू नॉट हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। फिर अगर इसको और फर्दर हम लोग चेंज करें, देखें कि और क्या होता है इसमें, तो म्यू नॉट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो म्यू नॉट एन आई, तो ये आपका क्या बनता है, बी होता है। तो म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आपका एनर्जी डेंसिटी आ जाएगा किसी इंडक्टर के लिए कितना, हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट, ठीक है। ये सभी टाइप के स्ट्रक्चर के वैलिड है, सिर्फ इंडक्टर नहीं, आपका टोरॉइड हो सोलेनोइड हो, सभी टाइप के स्ट्रक्चर की जो एनर्जी डेंसिटी होगी वो क्या होगी, हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट ही होगी। सर कैपेसिटी चलो टॉपिक डालो। सेल्फ इंडक्टेंस के बाद अब आता है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, इसको एम से डिनोट करते हैं हम लोग, जैसे सेल्फ इंडक्टेंस को एल से डिनोट करते हैं, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिनोट करेंगे हम एम से। क्या होता है इसमें, मान लो ऐसे करके एक लूप है, इस लूप में करंट फ्लो कर रही है आई, तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होगी ऐसे बेटा, यस ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही होगी यहां से, और इधर से क्या हो रही होगी, बाहर निकल रही होगी, ठीक है। अब अगर देखो यहां पर, सपोज करो यहां पर एक और मैंने कॉइल रखी हुई है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल के अंदर से ही पास हो रही होगी, हाँ तो क्या इस कॉइल में भी फ्लक्स होगा, इस कॉइल में भी फ्लक्स होगा क्या, हाँ इस कॉइल में भी फ्लक्स होगा। होगा इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, होगा इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी कॉइल, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल अगर इसमें करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी तो इसका फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो क्या इसमें करंट इंड्यूस होगा, फ्लक्स हाँ चेंज होगा तो सेकेंडरी हाँ में करंट इंड्यूस होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि होगा टोटल करंट फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल, 2T का मतलब है सेकेंडरी कॉइल का टोटल फ्लक्स, वो डिपेंड कर रहा है इस पर, इस आई वन पर, किसके आई वन पर, प्राइमरी कॉइल के करंट पे डिपेंड कर रहा है। तो जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटता है क्या आता है, कांस्टेंट आता है, तो पाई टू टी, यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा उसको हम लोग बोलेंगे एम इंटू आई वन, ठीक है, एम इंटू आई वन। तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय करंट इन प्राइमरी कॉइल। टोटल फ्लक्स लिंक विद सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय करंट इन प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, तो सेम जैसे हम लोग करते थे, तो इस टोटल फ्लक्स को भी याद रखो एम आई होता है। ई इंड्यूस कितना होगा इसमें, ई इंड्यूस क्या हो जाएगा, एम डी आई बाई डी टी हो जाएगा, आई की जगह क्या लेंगे, डी आई वन बाई डी टी। बात समझ में आ रही है, यस ठीक है। ई इंड्यूस क्या हो जाएगा आपका, एम डी आई बाय डी आई वन बाय डी टी। सर अब
म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकालते हैं उसके कुछ स्टेप्स में बता रहा हूं आपको, कि अभी हम म्यूचुअल इंडक्टेंस भी निकालेंगे अलग अलग स्ट्रक्चर का। स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, आपको फॉर्मूला पता ही चल गया। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकालते हैं उसके स्टेप्स लिख लो, आपको वही स्टेप का यूज करना है हर बार। स्टेप फॉर कैलकुलेटिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो सबसे पहले हम लोग प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल चूज कर लेंगे, ठीक है। प्राइमरी कॉइल इस तरह से चूज करेंगे कि सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स है हम वो इजीली निकाल पाए, तो पहला स्टेप ये रहेगा सेलेक्ट, दो कॉइल्स ले रखूंगी तो उनमें से दो कॉइल्स या फिर दो जो भी है आपके, दो सोलोनाइट भी हो सकता है, तो हमको उसमें से एक को प्राइमरी मानना एक को सेकेंडरी मानना। सेलेक्ट प्राइमरी कॉइल सच दैट, सेलेक्ट प्राइमरी कॉइल सच दैट इट विल बी इजी, सच दैट इट विल बी इजी टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल, ताकि हमको आसानी हो कि हम सेकेंडरी कॉइल से जितना फ्लक्स है उसको इजिली कैलकुलेट कर पाए, ठीक है। सेकेंड स्टेप, सेकेंड में क्या करना है, अब उस सेकेंडरी कॉइल के एक लूप से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो फाइंड करो। नाउ कैलकुलेट या फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू वन लूप ऑफ सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल से कितना फ्लक्स पास हो रहा है उसको फाइंड करो आप। थर्ड स्टेप क्या है, फाइंड टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइंड टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू सेकेंडरी कॉइल बाय मल्टीप्लाइंग नंबर ऑफ टर्न्स। सेकेंडरी कॉइल बाय मल्टीप्लाइंग नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है वो फाइंड मिल जाएगा। और लास्ट फोर्थ स्टेप, टोटल फ्लक्स फाइंड हो गया तो फाइ टी टू आपको पता है एम आई वन होता है, तो एम बराबर क्या हो जाए, टोटल फ्लक्स मिल गया आपको तो डिवाइड कर दो इसको किससे, आई वन से, समझ गए। आई वन क्या है आपका, आई वन है आपका ये करंट, आपको गिवन नहीं होगी, अज्यूम करना पड़ेगा, करंट एज्यूम इन प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल में आपने कितनी करंट एज्यूम करी उसकी वैल्यू है, ठीक है। अब इसका यूज करते हुए हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालते हैं, ठीक है, रब कर दो बेटा इसको। यस सर। अब हम निकालते हैं क्या, म्यूचुअल इंडक्टेंस दो कॉइल्स का है ना,
मान लो ऐसे दो कॉइल्स दे रखे आपको, एक कॉइल ये है और एक कॉइल ये है, इसकी रेडियस है आर वन ले लेते हैं, ठीक है, इसकी रेडियस ले लिया आर वन और बाहर वाले की रेडियस ले लिया हमने आर टू, और जो आर टू है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन है एज कंपेयर टू आर वन, ठीक, रेडियस हमको गिवन है और हम मान लेते हैं कि जो बाहर वाला इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है n2 और अंदर वाले में नंबर ऑफ टर्न्स है कितने n1, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n1, इन दोनों के बीच में कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा ये फाइंड करना है मुझे। तो सबसे पहले मेरे को एक लूप एज्यूम करना पड़ेगा, किसको मैं प्राइमरी एज्यूम करूं किसको सेकेंडरी एज्यूम करूं, छोटे वाले को प्राइमरी मानूं कि बड़े वाले को प्राइमरी मानूं, छोटे वाले को बड़े वाले किसको मानेंगे, बड़े वाले को, क्यों, क्योंकि बड़े वाले से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना आसान है, बी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई, सॉरी म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई होता है ना, टू आर सॉरी पाई में बार बार बोल रहा हूँ, टू आर होता है, ठीक है, तो बड़े वाले से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना आसान है, छोटे वाले से बाहर मैग्नेटिक फील्ड निकालना मुश्किल है, तो इसको हम लोग मानेंगे प्राइमरी और अंदर वाले को मानेंगे हम लोग सेकेंडरी, अब इसके कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बी वन बोलूंगा मैं, बी वन क्यों, क्योंकि प्राइमरी के कारण मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज क्या होगा आपका म्यू नॉट आई, मान लो इसमें करंट फ्लो कर रही है कितनी आई वन, मान लो अच्छा आई वन नहीं आई टू मान लेते ना, म्यू नॉट आई टू बाय टू आर टू आएगा बेटा यहाँ पे, और ये तो एक कॉइल से हुआ ना, और ऐसे कितने कॉइल से एन टू कॉइल से टर्न से, तो एन टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको मैं, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया बी वन, अब एक कॉइल से फ्लक्स निकालो, नाउ फ्लक्स थ्रू वन लूप ऑफ सेकेंडरी के एक लूप से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा, दैट इज B1 into मैंने ये I1 I2 गलत लिख दिया ना, ऐसा करते हैं हम लोग इसको रब करो ना, जैसे हम कुछ भी मान सकते हैं लेकिन कंफ्यूज हो रहा है, एक्चुअल में वन से हम लोग प्राइमरी को डिनोट करते हैं और टू से सेकेंडरी को जनरली, तो मैं मान लेता हूं कि जो बाहर वाला लूप है इसको मैंने प्राइमरी माना, n1 है, रेडियस मैंने मान ली r1 और अंदर वाले की रेडियस मान ली मैंने r2, ठीक है, अब ज्यादा सही रहेगा, और बाहर वाले में टर्न्स कितनी n1, अंदर वाले में टर्न्स कितने n2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाँ अब ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रहेगा, b1 इक्वल टू हो जाएगा n1 म्यू नॉट i1, इसमें मैंने करंट अज्यूम कर ली कितनी I1 करंट अपॉन टू R1, ठीक है, नाउ फ्लक्स थ्रू वन लूप ऑफ सेकेंडरी कॉइल दैट इज B1 इनटू किसका एरिया, सेकेंडरी वाले का एरिया, सेकेंडरी वाले का एरिया क्या होगा, यहां पे अज्यूम कर लेना R1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R2, सेकेंडरी वाले का एरिया क्या होगा B1 पाई आर टू का स्क्वायर, बी वन पाई आर टू का स्क्वायर, ठीक है, नाउ म्यूचुअल इंडक्टेंस एम बराबर क्या होता है, हो गया फाइव टू टी, एम इक्वल टू होता है फाइव टू टी बाय आई वन, दैट इज करंट इन सेकेंडरी,
सॉरी प्राइमरी, B1 की वैल्यू पुट कर दो, B1 इक्वल टू कितना है N1 mu not I1 by 2 R1 into pi R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय I1, I1 से I1 कैंसिल, मैंने कुछ गड़बड़ करी ना, ये तो एक लूप से आया, 2T बराबर क्या हो जाएगा N2 से मल्टीप्लाई होगा ना बेटा यहां पे, दीक्षा मैं इसमें श्योर नहीं हूं, मैं सीख रही हूं सर, मैं इसमें सीख रही हूं क्योंकि मुझे ये पहले से नहीं आता है। चलो मैं वापस से एक बार आपको बताता हूं। सबसे पहले प्राइमरी, प्राइमरी किसको मानेंगे, बाहर वाले को प्राइमरी मानेंगे, तो बाहर वाले के कारण यहाँ पर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना आसान है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, बी वन इक्वल टू प्राइमरी कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना आसान है, उसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट आई वन डिवाइडेड बाय टू आर वन। लेकिन ये तो हो गया एक लूप के कारण, जैसे कितने टर्म्स है यहाँ पे, एन वन टर्म्स है, तो एन वन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा कि सेंटर पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना है, प्राइमरी से ज्यादा। अब मैं निकालूंगा फ्लक्स थ्रू वन लूप ऑफ सेकेंडरी, वन लूप ऑफ सेकेंडरी, सेकेंडरी के एक लूप के कारण कितना फ्लक्स होगा, उसको मैं बोलूंगा फाई वन या फाई टू बोलो, सिर्फ टू टी मत लगाएंगे, टोटल नहीं लगाएंगे, फाई टू एक लूप के कारण फ्लक्स, दैट इज बी वन इसका एरिया, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कितना है और इसका एरिया, दैट इज ए एरिया टू, बी वन की वैल्यू पुट कर दो, एन वन म्यू नॉट आई वन बाई टू आर वन, और यहां पे क्या ये सर्कल है, इसका एरिया हो जाएगा पाई आर टू का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई टू, मतलब फ्लक्स थ्रू वन लूप, टोटल फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी सेकेंडरी के में टोटल फ्लक्स कितना होगा, दैट इज फाई टू टी इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स, कितने इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है, इसमें एन टू, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है एन टू, एक लूप से इतना फ्लक्स है तो एन टू टर्न्स से कितने फ्लक्स होंगे, एन टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एन टू इंटू फाई टू N2 into phi 2, बात समझ में आई बेटा, हाँ। N2 into phi 2 की वैल्यू पुट कर दो, इसको रब कर रहा हूं मैं ऊपर वाले को, phi 2 की वैल्यू पुट कर दो, N2 N1 mu naught I1 pi r 2 का स्क्वायर बाय डिवाइडेड बाय 2 r1, दिख रहा है आपको क्या लिखा है मैंने, यस सर। नाउ म्यूचुअल इंडक्टेंस m डिवाइड इक्वल टू होता है pi 2t बाय i1, pi 2t को वैल्यू पुट कर दोगे, i1 से i1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका फाइनली क्या आ जाएगा, n1 into n2 mu naught pi R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R1, दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सर्कुलर लूप्स। तो यहां पर भी आप देखोगे, क्या देखोगे कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो डिपेंड नहीं करता है किस पर, करंट पर, M does not depend on, या फिर M depends only on स्ट्रक्चर, M जो है वो डिपेंड करता है किस पर, M depends on only structure, structure पर डिपेंड करता है, कितने टर्न्स है, कितने एरिया है, ठीक है, रेडियस कितनी है, उस पर डिपेंड करता है, only on structure, और या फिर आप बोल सकते हो ज्योमेट्री भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाला,